नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 12 मार्च। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप क्रिकेट की खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे YouTube चैनल चक दे क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब चलिए बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। अपने पास है बिजनेस आइडिया तो फंड की अब नहीं होगी कमी। ग्राम कचहरियों के लिए जारी हुई राशि। 2 साल बाद कोरोना मुक्त होली को लेकर पुलिस हुई सतर्क। अब सड़क के लिए एमएलए और एमएलसी कर सकते हैं अनुशंसा। अमरनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण इसी महीने से होगा शुरू। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। दिल्ली विश्वविद्यालय ने निकाली रिक्तियां। दिल्ली विश्वविद्यालय ने सहायक प्रोफेसर के कुल मिलाकर 66 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए विषय की बात करें तो इसमें अंग्रेजी, पंजाबी, हिंदी, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति, विज्ञान, वाणिज्य, गणित, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, भौतिकी, प्राणी शास्त्र, पर्यावरण विज्ञान है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास 55% अंकों के साथ प्रासंगिक विषय में स्नातकोत्तर डिग्री। उम्मीदवारों को यूजीसी, ओआर, सीएसआईआर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट में उत्तीर्ण होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 20 मार्च 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.du.ac.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। ग्राम कचहरियों के लिए जारी हुई राशि। बीते दिन पंचायती राज विभाग की तरफ से बिहार के ग्राम कचहरियों के लिए राशि जारी कर दी गई है, जिसके तहत इन सब के लिए विभाग की तरफ से 46 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया है। विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार ग्राम कचहरी सचिव के बकाया मानदेय के भुगतान के लिए 22,99,22,340 रुपए और ग्राम कचहरी के न्यायपीठ के काम में सहयोग के लिए नियुक्ति पत्र के फीस भुगतान के लिए 23,97,37,660 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पंचायत सचिव का मानदेय 6,000 रुपए प्रति महीने और न्याय मित्र का फीस 7,000 रुपए प्रति महीने पंचायती राज विभाग द्वारा दिया जाता है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे सुमन कुमार झा की। बिहार में बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जिसको लेकर सरकार हर बार सवालों के घेरे में उलझी रही है, लेकिन इसी बीच बिहार में कई ऐसे युवा हैं जो अपने बलबूते पर रोजगार मुहैया करवा रहे हैं, जिसमें से एक नाम है सुमन कुमार झा का। सुमन कुमार झा समस्तीपुर के दसौत गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने बीटेक किया है। उन्होंने नई तकनीक उपलब्ध कराने के लिए नवी सामग्री कंपनी बनाई। एसी में ऊर्जा खपत को 60% कम करने और सोलर पैनल की क्षमता विस्तार की तकनीक भी विकसित की। दोनों बौद्धिक संपदा का पेटेंट कराया। इसके बाद किराना व्यापार को सहज बनाने की दिशा में मुड़े, जिसके बाद ही अब बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के वेंचर पार्क के बिजनेस आइडिया कॉम्पिटिशन में प्रथम स्थान पाने वाले दो स्टार्टअप में भी सुमन कुमार झा का नाम शामिल हो गया है। उन्हें 12 मार्च यानी कि आज बिहार स्टार्टअप कॉन्क्लेव में सम्मानित किया जाएगा। बिहार बजट सत्र का बदला कार्यक्रम। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का कार्यक्रम अब बदल गया है। इसके तहत 21 मार्च को होने वाली कार्रवाई अब 26 मार्च को आयोजित करवाई जाएगी, जिसका फैसला कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में लिया गया। शुक्रवार को बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का 10वां दिन रहा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह सत्र 25 फरवरी से चल रहा है। वहीं 28 फरवरी को बिहार में बजट पेश किया गया, जिसके बाद अब स्केड्यूल में नियम बदल दिए गए हैं। अपने पास है बिजनेस आइडिया तो फंड की अब नहीं होगी कमी। यदि आपके पास किसी भी उत्पाद के इनोवेशन का आइडिया है तो उसे जमीन पर उतारने के लिए अब आपके पास फंड की कोई कमी नहीं होने वाली है, क्योंकि इसके लिए सरकार आपकी पूरी पूरी मदद करेगी। इतना ही नहीं, इसके लिए आपको तकनीकी, कार्यालय, फंड या कागजात को दुरुस्त करने में विशेषज्ञ हर समय मदद करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में 13 से 15 मार्च तक देश के बड़े स्टार्टअप और इनोवेशन के विशेषज्ञ शिरकत करेंगे। IIT के संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए तकनीकी विकास बोर्ड के सचिव राजेश कुमार पाठक ने इस बात की जानकारी दी है। साथ ही बताया है कि यदि बेहतर आइडिया आए तो किसी तरह की फंडिंग की कमी नहीं होगी। बिहार बोर्ड इंटर कॉपियों की चेकिंग हुई खत्म। बिहार बोर्ड इंटर वार्षिक परीक्षा 2022 के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन खत्म हो गया है। इसे खत्म होने के बाद सभी केंद्राधीक्षकों को जरूरी डॉक्यूमेंट बोर्ड को उपलब्ध करा देना होगा। इसको लेकर बिहार बोर्ड ने इंटर वार्षिक परीक्षा 2022 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में केंद्राधीक्षकों को 11 मार्च यानी कि बीते दिन केंद्र पर उपस्थित रहने का निर्देश दिया था। बताया जा रहा है कि बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट 2022 20 मार्च से 25 मार्च के बीच बिहार बोर्ड online.bihar.gov.in और bihar.board.online.com पर जारी हो सकता है। बिहार में सबसे ज्यादा गर्मी से परेशान दिखे पटना के लोग। आने वाले दिनों में और बढ़ेगी गर्मी।
ठंड के खत्म होने के साथ ही बिहार में गर्मी का प्रकोप तेज हो गया है। मार्च के शुरू में ही लोगों को अब भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सबसे बुरा हाल राजधानी पटना वासियों का है। मौसम विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार प्रदेश में पछुआ हवा के कारण पारे में आंशिक वृद्धि देखी जा रही है। मौसम विज्ञानियों की माने तो पछुआ हवा के कारण आने वाले 5 दिनों तक मौसम शुष्क बने होने के साथ ही आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के सिवान, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी को छोड़कर अन्य जगहों के अधिकतम तापमान में सामान्य से 1-2 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विज्ञानियों की माने तो मार्च महीने में 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच प्रदेश का तापमान रहने का आसार है। बिहार में 10 साल में 100 गुना बढ़ा साइबर अपराध। बिहार में ऑनलाइन या डिजिटल आधारित अर्थव्यवस्था के निर्माण में तेजी के साथ साइबर अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार साल 2016 में 309, 2017 में 433, 2018 में 374, 2019 में 1050 और 2020 में 1512 मामले दर्ज किए गए हैं। इसका खुलासा बीते दिन हुआ जब बिहार विधानमंडल के जारी बजट सत्र के दौरान बिहार विधान परिषद में राजद के एक विधायक के अल्पसूचित सवाल का जवाब देते हुए गृह विभाग के प्रभारी मंत्री विजेंद्र यादव ने जवाब दिया। उन्होंने बताया कि राज्य में एक दशक के दौरान साइबर अपराधों में 100 गुना बढ़ोतरी हुई है, जबकि इस अवधि के दौरान ऑनलाइन लेन देन 15 से 20 गुना बढ़ा है। बिहार में सर्वाधिक साइबर अपराध पटना में होते हैं। सीबीएसई ने टर्म 2 कक्षा 10वीं की परीक्षा की डेट शीट की जारी। सीबीएसई से कक्षा 10वीं की परीक्षा दे रहे सभी छात्रों के लिए अहम सूचना। सीबीएसई बोर्ड के लाखों छात्र समय टर्म 2 परीक्षा की डेट शीट का बड़ी ही उत्सुकता के साथ इंतजार कर रहे थे। सीबीएसई बोर्ड ने टर्म 2 कक्षा 10वीं परीक्षा की डेट शीट और कक्षा 12वीं परीक्षा की डेट शीट को जारी कर दिया है, जिसके तहत सीबीएसई टर्म 2 की परीक्षाएं 26 अप्रैल 2022 से शुरू होगी। दरअसल छात्र बीते कुछ समय से इसको लेकर परेशान थे, जिसके बाद ही छात्रों की उत्सुकता को देखते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 11 मार्च 2022 को सीबीएसई परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी है। सीबीएसई मुख्य विषयों की बात करें तो कक्षा 10वीं के छात्रों का पहला पेपर 27 अप्रैल को अंग्रेजी का होगा। वहीं मिली जानकारी के अनुसार इसके बाद 2 मई को होम साइंस का पेपर होने वाला है। 2 साल बाद कोरोना मुक्त होली को लेकर पुलिस हुई सतर्क। लगभग 2 साल के बाद कोरोना के वर्तमान परिस्थिति के मौजूदा हालात में होली त्योहार का आयोजन होने वाला है, यानी कि इस बार कोरोना मुक्त होली देखने को मिलने वाली है, जिसको ध्यान में रखते हुए ही बिहार में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया जा रहा है। यही कारण है कि होली को लेकर डीजीपी एसके सिंगल ने फील्ड के अफसरों को हर स्तर पर सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। इस बाबत उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के 2 साल बाद इस दफे लोग खुलकर उल्लास के साथ होली मनाएंगे। होली पर शांति और सद्भाव बना रहे, इसके लिए पुलिस का दायित्व बढ़ जाता है, जिसके बाद ही अब विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलों को अतिरिक्त बल भेजने का काम भी हो रहा है। बिहार में बहाल शिक्षकों के लिए बुरी खबर। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शिक्षकों को लेकर बीते दिन बुरी खबर साझा की है, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन विधानसभा में जवाब देते हुए कहा कि पंचायती राज और नगर निकायों से बहाल शिक्षकों को राज्यकर्मियों के समरूप सुविधा और लाभ देने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है ही नहीं। इन्हें ईपीएफ से कवर किया गया है। सामाजिक सुरक्षा और कल्याण को ध्यान में रख शिक्षकों को 1 सितंबर 2020 से राज्य सरकार ने ईपीएफ स्कीम से आच्छादित किया गया है। इसके लिए प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक कार्यरत शिक्षक और पुस्तकालाध्यक्ष के मासिक परिलब्धियों में 15,000 रूपए प्रतिमाह के वेतन की राशि पर राज्य सरकार अपना अंशदान 13% देगी। कोरोना काल में 56% बच्चे मानसिक तनाव से हुए ग्रसित। कोरोना काल में बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। शिक्षा के स्तर पर उन्हें क्षति तो हुई ही, साथ ही मानसिक स्तर पर भी बच्चों को बड़ा नुकसान हुआ है, जिसका खुलासा हाल ही में किए गए एक शोध में हुआ। शिक्षा मंत्रालय के मनोदर्पण के सर्वे में उक्त बातें कही गई हैं, जिसे ही ये पता चला है कि कोरोना काल में बिहार के लगभग 56% बच्चे मानसिक तनाव में थे। ज्ञात हो कोरोना काल के बाद नवम्बर और दिसम्बर 2021 में यह सर्वे किया गया। सूबे के 2000 निजी स्कूलों के 9वीं से 12वीं तक के 1.5 लाख बच्चों को इसमें शामिल किया गया। सर्वे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से किया गया है। बिहार विधानसभा में जुम्मे की नमाज पर हुआ हंगामा। बिहार विधानसभा का बजट सत्र इन दिनों जारी है, जहां पर हर दिन पक्ष और विपक्ष के बीच का हंगामा देखने को मिल ही जाता है। बीते दिन भी बिहार विधानसभा का ऐसा ही हाल देखने को मिला, जिसके तहत ही बिहार विधानसभा में जुम्मे की नमाज पर खूब हंगामा हुआ। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि वेल में ओबीसी की AIMIM के विधायक भी पहुंच गए। हुआ कुछ यूं कि हर शुक्रवार की तरह विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नमाज पढ़ने के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित नहीं की, जिसके बाद क्या था, हंगामा शुरू हुआ। वहीं मामले को हाथ से निकलता देख स्पीकर ने कहा कि समय कम होने की वजह से नमाज पढ़ने के लिए टाइम नहीं दिया गया। अगर कोई सदस्य नमाज पढ़ना चाहे तो वो सदन के बाहर जाकर पढ़ सकता है। होली स्पेशल ट्रेनों में जनरल टिकट से भी कर सकेंगे सफर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगर आप होली के दौरान यात्रा करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है।
ट्रेनों में यात्रियों की बढ़ रही संख्या को देखते हुए रेलवे ने बड़ी राहत का ऐलान किया है, जिसके तहत ही होली पर संचालित होने वाली सभी स्पेशल ट्रेनों में अनारक्षित टिकट की बिक्री के लिए मंजूरी मिल गई। इसको लेकर ही रेलवे ने कहा कि जिन ट्रेनों में केवल आरक्षित बोगियां हैं, यात्रियों की मांग बढ़ने पर उन ट्रेनों में भी अनारक्षित बोगियां जोड़ी गई हैं। सहारनपुर से होली के मौके पर ज्यादातर बुकिंग गोरखपुर, बिहार, लखनऊ और बनारस आदि जिलों के लिए हो रही है। सामान्य ट्रेनों में रेलवे बोर्ड पहले ही अनारक्षित सफर को मंजूरी दे चुका है। इसके बाद भी यात्रियों की संख्या अधिक होने पर अब ट्रेनों में राहत दी गई है। वीटीआर में दुर्लभ प्रजाति के दो पेंगोलिन बरामद। वीटीआर यानी कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के गोवर्धना जंगल में दुर्लभ जीव पेंगोलिन के साथ दो तस्करों को एसएसबी और वन विभाग की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों के पास से ही दो पेंगोलिन को बरामद भी किया गया। वन संरक्षक डॉक्टर नेशामानी ने बताया कि गुरुवार को वन विभाग और एसएसबी 65वीं बटालियन के संयुक्त छापेमारी में कामयाबी मिली है। कई दिनों से तस्करी की सूचना मिल रही थी, जिसको लेकर वन विभाग को अलर्ट मोड में रखा गया था। सूचना पर गोवर्धना थाना क्षेत्र के बखरी बाजार से ये जानवर बरामद किए गए। समस्तीपुर के विद्यापति धाम में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। विद्यापति नगर प्रखंड के विद्यापति धाम परिसर का एक ऐसा स्थल है जहां भगवान और भक्त दोनों की पूजा की जाती है। विद्यापति धाम में उगना महादेव मंदिर, विद्यापति स्मारक आदि के दर्शन आप कर सकते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकवि विद्यापति की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके यहाँ उगना नाम से सेवक बनकर आए थे। कालांतर में जब एक दिन उगना अचानक गायब हो गए तो विद्यापति उनकी तलाश में विद्यापति धाम तक पहुंचे। कहा जाता है कि माँ गंगा ने भी महाकवि की भक्ति से प्रभावित होकर उन्हें दर्शन किया था। महाकवि ने गंगा के दर्शन के बाद अपने शरीर को त्याग कर दिया, तभी से समस्तीपुर के विद्यापति धाम की ख्याति है। यहाँ पर लंबे समय से महाकवि के नाम पर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अमरनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण इस महीने से होगा शुरू। अगर आप भी आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा को शुरू करने की सोच रहे हैं तो आप पंजीकरण का काम जल्द ही शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यात्रा के लिए अप्रैल से ऑनलाइन पंजीकरण का काम शुरू होने वाला है। इसको लेकर श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने हाल ही में ऐलान किया है। श्राइन बोर्ड ने अप्रैल से ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का पंजीकरण शुरू करने की घोषणा करते हुए कहा कि दक्षिण कश्मीर के हिमालय क्षेत्र के तीर्थस्थल में तीर्थयात्रियों की आवाजाही के लिए RFID आधारित ट्रैकिंग की जाएगी। इतना ही नहीं, यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि यात्रा के दिनों में निर्धारित काउंटर पर ऑन स्पॉट यानी कि तत्काल पंजीकरण भी किए जाएंगे। पटना में जून तक बनकर तैयार हो जाएगा साइंस सिटी। राजधानी पटना में साइंस सिटी बनाने का काम जल्द ही पूरा होने वाला है। जानकारों की माने तो उम्मीद है कि इसी महीने इसका काम पूरा हो जाएगा। बिहार में शिक्षा के मामले में दूसरे प्रदेश से पिछड़ गया है राज्य सरकार। अब बिहार गोष्ठ आधुनिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ने के लिए काम शुरू करने वाली है। इसी कड़ी में पटना में भी एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण करवाया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, मोहिनीउल्लक स्टेडियम के पास बनने वाली एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण कार्य जून तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसी को देखते हुए भवन निर्माण विभाग द्वारा साइंस सिटी भवन का निर्माण भी कराया जा रहा है। अब सड़क के लिए एमएलए और एमएलसी कर सकते हैं अनुशंसा। अब बिहार में नाला और सड़क से जुड़ी कोई समस्या हो तो सदस्य अपने बोर्ड में प्रस्ताव भेज सकते हैं, जिसकी जानकारी राज्य के उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने दी है। इस बाबत बीते दिन ही उन्होंने साफ किया है कि बिहार विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की अनुशंसा पर 6 मीटर या उससे अधिक चौड़ी जो सड़कें हैं उनकी मरम्मत और निर्माण के कार्य हो सकेंगे। हालांकि भाजपा के वरिष्ठ विधायक नंदकिशोर यादव, कांग्रेस विधायक विजय शंकर दुबे आदि ने सलाह दी है कि विधायकों को पहली समिति में तो शामिल कार्य मिल जाएगा, क्योंकि नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति से स्वीकृत प्रस्ताव ही निगम बोर्ड की बैठक में एमएलए एमएलसी नहीं बुलाए जाते हैं। सभा अध्यक्ष ने हस्तक्षेप करते हुए सरकार को इस मामले में गंभीरता से देखने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश में नाव डूबने के बाद भी सहनी का नहीं टूटा हौसला, कहा लड़ाई रहेगी जारी। उत्तर प्रदेश चुनाव में जिस जोश से मुकेश सहनी मैदान में उतरे थे, वो जोश परिणाम के आने के साथ ही ठंडा हो गया, क्योंकि जनता के फैसले के नाम पर सहनी की नाव डूब गई, क्योंकि जनता का परिणाम निराशाजनक रहा। हालांकि वीआईपी सुप्रीमो और बिहार के मंत्री मुकेश सहनी चुनाव परिणाम से हतोत्साहित नहीं है। उन्होंने कहा कि निषाद के हक और अधिकार की रक्षा की लड़ाई जारी रहेगी। कुछ लोग लड़ते हैं हम पर राज करने के लिए, हम लड़ते हैं अपना अस्तित्व और हक अधिकार के लिए। उन्होंने यूपी के लोगों को भरोसा देते हुए कहा है कि जब तक निषाद समाज के आरक्षण सहित हक अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक हमारी लड़ाई आखिरी सांस तक जारी रहेगी।
बिहार एमएलसी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने किया उम्मीदवारों का ऐलान। चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। 5 राज्यों में आए विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद अब कांग्रेस की नजर बिहार एमएलसी पर है। हालांकि 5 राज्यों में तो कांग्रेस को कुछ भी नहीं मिला, लेकिन बिहार एमएलसी चुनाव से कांग्रेस को उम्मीदें जरूर है। यही कारण है कि कांग्रेस चुनाव के मद्देनजर एक्टिव नजर आ रही है। इसी कड़ी में बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए आखिरकार कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने स्थानीय निकाय कोटे की 24 सीटों में केवल 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की स्वीकृति के बाद पार्टी के महासचिव और राष्ट्रीय चुनाव समिति के प्रभारी मुकुल वासनिक ने 6 उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी कर दी है। यूपी चुनाव में आए परिणाम के बाद तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं को दे दी 2 टूक नसीहत। राजद ने पार्टी कार्यालय में बीते दिन स्वतंत्रता सेनानी जुब्बा सहनी के शहादत दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस दौरान ही बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राजद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सिर्फ फोटो खिंचवाने से काम नहीं चलेगा, अगर हमें वापस आना है और बिहार में गरीबों की सरकार बनाने के लिए ग्राउंड पर काम करना होगा। अगर हम ऐसा करेंगे तभी जुब्बा सहनी का शहादत दिवस मनाने का सफल माना जाएगा। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने सीएम नीतीश पर भी जमकर निशाना साधा, जिसके तहत उन्होंने भरी सभा में कहा कि सरकार सिर्फ शराब खोजने पर लगी है, सरकार का ध्यान कानून व्यवस्था, रोजगार, विकास जैसे मुद्दों पर है ही नहीं। आधार कार्ड में आसानी से बदले अपने जन्म की तारीख। आधार कार्ड आज एक अहम डॉक्यूमेंट बन गया है। ऐसे में यदि आधार कार्ड धारक को गलती का पता चले तो तुरंत ठीक करवा ले। कोई बात छोटी छोटी गलती जैसे कि डेट ऑफ बर्थ या जन्म तारीख में हुई गलती भी बड़ी बन जाती है। ऐसे में उसे तुरंत ठीक करवाना चाहिए। जन्म तारीख बदलने के प्रोसेस को अब UIDAI ने आसान बना दिया है। ये बदलाव आप घर बैठे बैठे सिर्फ एक लिंक पर क्लिक करके कर सकते हैं। इसको लेकर अपनी जन्म तारीख ऑनलाइन अपडेट करने के लिए सीधा sup.uidai.gov.in/sup/ पर जाना होगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। बंगाल के अंतिम स्वतंत्रता अफगान शासक उस्मान खान की लोहानी के नेको जाल के युद्ध में हारने के बाद गंभीर रूप से जख्मी होने के कारण 1612 में उनकी जान चली गई। भारत के तत्कालीन वॉइस रॉय लॉर्ड मेयो के हत्यारे शेल अली को 1872 में सजा दी गई। महात्मा गांधी ने 1930 में साबरमती आश्रम में दांडी मार्च की शुरुआत की। महात्मा गांधी को यूरोप के बने सम्मान को खरीदने और ब्रिटिश शासन की मशीनों के साथ काम करने के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन के लिए 1922 में अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर दिया था। भारत सरकार ने 1954 में साहित्य अकादमी का उद्घाटन किया। 1984 में आज ही के दिन को बॉलीवुड सिंगर श्रेया घोषाल का जन्म हुआ था। आज ही के दिन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना दिवस तिब्बती महिला विकास दिवस के रूप में मनाया जाता है। रविंद्र जडेजा को 7 करोड़ वाली कैटेगरी में प्रमोट करने की उठी मांग। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा जारी 2021-22 के लिए केंद्रीय अनुबंध सूची में कई खिलाड़ियों की कैटेगरी में बदलाव देखने को मिला। बीसीसीआई की केंद्रीय अनुबंध सूची में सर्वोच्च A+ श्रेणी में कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बरकरार रहे। हालांकि कैटेगरी ए में 2021-22 चक्र के लिए केवल 5 खिलाड़ियों को जगह दी गई, जबकि पिछले साल ए श्रेणी में 10 खिलाड़ी थे। इसी बीच भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा का मानना है कि जडेजा को अतीत में भारतीय टीम के लिए उनके लगातार प्रदर्शन के कारण A+ श्रेणी में प्रमोट किया जाना चाहिए था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मिथुन कुमार, कुश कुमार यादव, नुन्नू कुमार, प्रिया यादव, अमन कुमार देव, सचिव भूषण, शंकर मुखिया, ओमकार सिंह, मिथुन कुमार पंडित, गजेंद्र सिंह, वैद्यनाथ ठाकुर, रोशन कुमार, ओमकार सिंह, परवेज आलम, धीरेन्द्र ठाकुर। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार की तरफ से किए जा रहे काम से आप संतुष्ट हैं या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।